हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी ना क्या हुआ कि हम नेशनल पार्क में आए हैं और इंट्रो रिकॉर्ड किया था हमने। अभी मैं एडिटिंग के लिए बैठी हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंट्रो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, सीधा यहीं से सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तो ये मतलब ज़्यादा लेट का नहीं है, हम बस अभी नेशनल पार्क पहुँचे थे, थोड़ा इधर उधर घूमा और अब थोड़ा फ़ोटोशूट हो रहा है मेरा ट्रेन पर बैठ के। और मैंने वाइट जीन्स पहनी है तो गंदी तो हो गई, तो अब मैं सोच रही हूँ कि बिना जीन्स को गंदा किए कैसे उठूँ, क्योंकि फिर मैं पैर रखती ना ट्रैक पे तो जीन्स गंदी हो जाती। तो ये व्लॉग में एकदम लाइक फन फिल्ड हाँ करेक्ट फन फिल्ड व्लॉग होगा, जहाँ पे आपको थोड़े एनिमल्स, नेचर, मैं और मेरे नेबर्स, मेरे मम्मी पापा, सब गौरव सब दिखने मिलेंगे। तो इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हाय गाइस, अभी हम इस एंटलोप को, जो भी ये है, इसे हम गाजर खिला रहे हैं। देखो डियर को खिलाना था पर वो सारे उधर है, उतने छोटे छोटे बेबी डियर्स भी हैं। तो यहाँ पे एक इंसान थे जो हमें कैरेट सेल कर रहे थे और उन्होंने बोला कि हम इन्हें खिला सकते हैं, तो हमने खिलाया। और ये देखो डियर्स थे, मेरे को डियर्स को खिलाने का मन था पर वो बहुत दूर थे, तो हमने इसी को खिला दिया जो आ रहा था। और वहाँ पीकॉक भी है। तो डियर्स को तो मैं जब वृंदावन गई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा वृंदावन व्लॉग भी देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे है। तो मैं जब वृंदावन गई थी ना, तो मैंने वहाँ पे भी डियर्स को खिलाया था, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। और वो ऐसे आपके हाथ से आपको ग्रेन्स देते हैं और फिर वो खा लेते हैं। तो यहाँ बस यही पे एक जगह हमें एनिमल्स मिले थे, यही एक जगह थी जहाँ एनिमल्स को ऐसे केज में रखा था। बाकी नेशनल पार्क में आपको ऐसे नहीं दिखेगा, जू नहीं है ना वो। आगे चल के आपको दिखेगा एक डियर ऐसे बाहर आया था और लोगों के साथ, लोग उसको खाना वाना खिला रहे थे। तो ये सीनरी मुझे बहुत अच्छी लगी, सनसेट था इसलिए मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिया। एक्शन, अभी क्या करने वाली है अर्षिता? ट्रैक चल। तो अभी हम लोग इन पे चलेंगे और देखेंगे कि कौन बिना गिरे। अच्छा, नीचे नीचे चीटिंग कर रही थी। और अर्षिता हेलो, मैं ट्रैक चैलेंज कर रहा हूं। आराम से गिर जाओगे, अब उधर से आ जाओ। यहां पे है ही नहीं। कोई बात। हाय, बोलो। हेलो, मैं ट्रैक चैलेंज कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे। ये एक छोटा सा पार्क जैसा था बेंच पे लोगों के बैठने का, तो यहाँ बहुत सारे मंकीज और उनके छोटे छोटे बेबीज थे जो खेल रहे थे। और यहाँ सिर्फ मेरे पापा गए थे इसलिए मैं आपको नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि वो मेरे चश्मा उठा के ना भाग जाए, क्योंकि मेरा मंकीज के साथ पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है वृंदावन में, सब चोरी करके भाग जाते थे। और यहाँ भी मुझे लग रहा था कि कैमरा ना ले ले, पर मेरे पापा चले गए, उन्हें डर नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे आपको नेशनल पार्क में मंकीज ही मंकीज देखने मिलते हैं हर जगह। फिर आपको वो जो डियर जो मैंने दिखाया था वो सब, पीकॉक्स, फिर बर्ड्स अब अलग अलग टाइप के, और लायन सफारी और लेपर्ड सफारी कुछ तो होती है जो आपको कार से ले जाती है, आप वो पे करके आप जा सकते हो लायंस देखने। पर हम नहीं गए क्योंकि लेट हो गया था, तब तक टाइम बंद हो गया था, सफारी सिर्फ 5 o'clock तक या 6 o'clock तक ऑन रहती है। हम पहुँचे ही 4:30 के आसपास थे तो हम लायन सफारी नहीं कर पाए। तो यहाँ पे सारे एनिमल्स फ्री घूमते हैं क्योंकि ये केज नहीं है, सिवाय वो एंटलोप के, वो थोड़ा सा वो लोग ने रखा है। तो उनका भी पूरा वास्ट एरिया है जो वो पीछे की तरफ फॉरेस्ट में भी जा सकते हैं, वो उन बाहर नहीं आ सकते, बस जहाँ पब्लिक होती है। तो यहाँ जू नहीं है इसलिए ये एकदम फ्री पार्क है, मतलब एनिमल्स फ्रीली रोम करते हैं। जू का व्लॉग भी नेक्स्ट आने वाला है, मैं आपको ये बता देती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग मेरा जू होगा, जू या तो फिर बीच व्लॉग होगा, दोनों में से कोई एक। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट व्लॉग जू वाला देखना है कि बीच वाला। जू में बहुत सारे एनिमल्स देखने मिलेंगे आपको, और बीच में जो बीच लवर्स है जैसे कि मैं, बहुत पानी देखने मिलेगा। तो आई वोट फॉर बीच, व्हाट डू यू वोट फॉर, कमेंट में लिख के बता दीजिए। तो यहाँ पे इसी डियर की मैं बात कर रही थी, ऐसे बाहर आ गया था और लोग उसे रोटी सब्जी खिला रहे थे, लिटरली पराठे एंड रोटी खिला रहे थे। बट लाइक वी डिसाइडेड नॉट टू गिव हिम पराठाज और रोटीज, सो वी गेव हिम फ्रूट्स।
दिस वॉज अ लीफ अ पर्सन वॉज गिविंग हिम एंड ही वॉज वेरी स्केयर्ड एंड वेरी टिमिड. तो हमने उसे वाटरमेलन्स ला के दिए, पास में ही मिल रहे थे, लाइक सो वी फेड दैम वाटरमेलन्स एंड देर वर टू, बट ओनली दिस वन वॉज हैविंग द करेज टू कम आउट एंड ईट फूड. सी सी आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, ही वॉज फीडिंग हिज रोटी एंड ऑल एंड द डियर वॉज ईटिंग इट ऑल्सो, बट दे वर वेरी स्केयर्ड सो दे ड्रॉप्ड इट. बट हमने उसको वाटरमेलन हाथ में खिलाया बिकॉज लाइक आई एम एक्सपीरियंस्ड. मैंने वृंदावन में, जैसे मैंने आपको बोला है, हाथ से खिलाया था. कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट लाइक वेरी टिकलिश और बहुत मज़ा आता है. सो ही वॉज वेरी स्केर्ड बट एज सून एज आई फेड हिम, लाइक उसको जब मैंने खाना खिलाया तो उसे थोड़ा ट्रस्ट आया कि ठीक है ये अच्छे लोग हैं. तो उसने थोड़ा टच वगैरह करने दिया मुझे. सो और फिर वो अंदर चला गया डर के, क्योंकि बाकी बच्चे उसे रोटी खिला रहे थे जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं था. सो सी ही वॉज नॉट लेटिंग दिस अंकल टच हिम, ही वॉज रनिंग अवे, बट यू विल सी आगे आई विल टच हिम. सी द क्लिप इज कमिंग. तो गाइस, मैंने आपको इतने एक्साइटमेंट में बोला था कि नेक्स्ट क्लिप इज़ कमिंग, और फिर से मैंने नोटिस किया कि वो क्लिप का रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है, फिर से मिस हो गया. पर मैंने सच्ची में खिलाया था, आप सबको भरोसा करना पड़ेगा. तो कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां हो जाती है. और अब ये था हमारा आउट्रो. तो यहाँ मैंने कुछ कुछ बोला है जो कि क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है भीड़ की आवाज़ की वजह से. तो मैं यही बोल रही थी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपको आना है तो आ सकते हैं, बोरीवली में है नेशनल पार्क. एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड हेल्प मी रीच 50K सब्सक्राइबर्स. बाय बाय.